बात करते हैं रतलाम की युवा सरपंच की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आधिकारिक रूप से जीते हुए प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। रतलाम जनपद पंचायत के करमदी गांव से 22 वर्षीय निष्ठा राजपुरोहित ने सरपंच पद पर जीत हासिल की है। खास बात यह है कि गांव की इस युवा सरपंच ने यह जीत अपने शिक्षित और कार्य के प्रति जिम्मेदार होने की वजह से हासिल की है। आमतौर पर ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद के उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, लेकिन निष्ठा राजपुरोहित ने यह चुनाव मात्र 5,000 रुपए खर्च कर जीता है। निष्ठा के पिता राजेश राजपुरोहित ने बताया कि फॉर्म भरने के खर्च के अलावा गांव में 4 छोटे बैनर और 2,000 पर्चे छपवाए थे। गांव के मतदाताओं के एक बड़े हिस्से द्वारा 22 साल की बीकॉम ग्रेजुएट निष्ठा को सरपंच पद के लिए समर्थन दिया गया था। इसी दौरान निष्ठा को चेहरे की आकस्मिक सर्जरी भी करवाना पड़ा, जिसकी वजह से वह प्रचार अभियान में भी नहीं उतर सकी थी। इसके बावजूद गांव के लोगों ने युवा और शिक्षित निष्ठा को गांव का सरपंच चुना है। करमदी ग्राम पंचायत में सरपंच पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित था। निष्ठा राजपुरोहित के अलावा अन्य 3 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे थे। निष्ठा राजपुरोहित 275 मतों से सरपंच चुनाव जीती हैं। निष्ठा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर में PGDCA किया है। उसके बाद अपने परिवार की गैस एजेंसी में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य संभाला है। गांव के युवा सरपंच के शिक्षित होने और कंप्यूटर ज्ञान का लाभ अब गाँव के विकास में भी मिलेगा। सरपंच बनने के बाद निष्ठा राजपुरोहित ने बताया कि उसे गांव के लोगों ने सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है। गांव के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए वह स्वयं प्रतिदिन पंचायत में बैठकर गांव के सभी लोगों का डाटा रिकॉर्ड तैयार करेगी, जिसमें गांव के सभी लोगों की जानकारी एकत्रित कर पात्रता अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगी। आमतौर पर सरपंच पति या सरपंच के पिता सरपंच प्रतिनिधि बनकर ग्राम पंचायत से जुड़े कार्य करते हैं, लेकिन निष्ठा सरपंच पद की बागडोर खुद संभालने की बात कहती हैं। आपको बधाई। आप बताएं किस तरह से जो है अब आप गांव का विकास करना चाहेंगी, आप युवा सरपंच बनी है गांव की। जी, आपके बधाई के लिए धन्यवाद। और मैं युवा सरपंच बनी हूँ तो मेरा ये है कि मैं पंचायत में रोज अपना थोड़ा टाइम पंचायत में दूंगी, ताकि जो विशेषकर जो महिलाएं हैं जो अपनी समस्या नहीं बता पाती है, तो उनके लिए मैं उनकी बात सुनूं और उनकी समस्याओं को दूर करूं। दूसरा, मैं अपना खुद का ये मानना है मेरा कि मैं एक डाटा तैयार करूं जिसमें सभी गांव वालों का मेरे पास डाटा हो, ताकि मैं उनसे जो भी परेशानी है, उनको जो भी किसी समस्या का है, तो मैं वो पूरा करने की कोशिश करूँ, वो समस्याओं को दूर करूँ। कंप्यूटर शिक्षित हैं आप, तो किस तरह से जो है पंचायत को हाईटेक तरीके से आप विकास की ओर ले जाएंगे? मैं जैसे ऐसी डिपेंडेंसी रहती है कि अगर मैं बनी हूँ तो मेरे पिताजी या परिवार में कोई बड़ा चलाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि अगर मैं सरपंच पद पर नियुक्त हुई हूँ तो मैं ही सरपंच का कार्यभार संभालूँ, और जितनी भी जो टेक्निकल रहती है वो मैं देखूँ मेरे हिसाब से उसके अंडर में। नहीं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हमको हमारी बिटिया पर विश्वास था शुरू से। हम देखते हैं इसमें कि इसमें नेतृत्व गुण है, और इसीलिए हमने इसका चयन किया। जनरली ये उम्र इसके बाद शादी की उम्र हो जाती है, पर हमने कहा कि नहीं, इसका सरपंच का कार्यकाल होने के बाद ही करेंगे। और ये इसीलिए इसको कि पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर के बारे में जानती है, आजकल सभी योजनाएँ ऑनलाइन आती है, और गांव में सबसे उपेक्षित जो होता है मजदूर वर्ग, और उसमें भी उपेक्षित होता है मजदूर वर्ग की महिलाएं।